हमारे सत्याग्रह आंदोलन की एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रशासन के पूरे जिम्मेदार अधिकारी एवं सारे जनप्रतिनिधियों को चिमनी भेंट किया जाएगा। भूख हड़ताल कब से है, क्या है निर्णय लिया? और 7 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा, और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक कोई प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी या उनके प्रतिनिधि आके हमको पूर्ण आश्वस्त नहीं करते हैं और हमारी समस्याओं का हल नहीं करते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। ये शासन प्रशासन के बहुत बड़े बड़े जो दावे और वादे, खोखले वादे हैं, इनके लिए हमने चिमनी भेंट कर रहे हैं। इनका कहना है कि बड़े बड़े पूरे 100% गाँव में बिजली है, देवोग इलाके और मैनपुर इलाके में 100% गाँव में 100% बिजली की व्यवस्था है, सरप्लस बिजली है, लेकिन यहाँ पर आके देखे कि 90% गाँव में अभी भी लोग चिमनी और कंडील के भरोसे में जी रहे हैं। कटौती, क्योंकि इतना कटौती हो रहा है और एकदम लो वोल्टेज है, इसीलिए लोग चिमनी और कंडील पर जीने के लिए मजबूर है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन का आंख खोलने के लिए हम लोग चिमनी भेंट करने जा रहे हैं, और इसी कड़ी में पहले हमने राजस्व विभाग जाकर एडीएम साहब को चिमनी भेंट किया, और अभी आगे जाकर के विधायक महोदय और जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनको हम चिमनी भेंट करेंगे, और ये याद दिलाएंगे कि वो हमारे देवोग अंचल में आकर देखें कि अभी भी 90% लोग चिमनी और कंडील के भरोसे में जी रहे हैं, और इनको लाइट तो छोड़ो, लो वोल्टेज से इतना समस्या मिल रही है कि लाइट तो सपने में भी देखने को मुश्किल हो रहा है, इसीलिए चिमनी भेंट हमने किया। मैंने जो ई है जयपाल जी, उनसे बात भी की और उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे किया है, और उन्होंने बताया है कि टेंडर जो है ना 52.5 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर अमाउंट है इसका, सब इंदिरा गांव सब स्टेशन का जो है ना 12.93 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर अमाउंट, और टावर लाइन एक्सपेंडिचर अमाउंट 52.50 करोड़ रुपए का है। टेंडर ओपन हो गया है, 10 कॉन्ट्रेक्टर इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, ऐसा उन्होंने बताया है। वर्क ऑर्डर जो है ना प्रोग्रेस में है, जल्दी ही वर्क ऑर्डर भी होगा, मतलब प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। वर्क ऑर्डर होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है। सर, ये लोग 7 तारीख से भूख हड़ताल में बैठेंगे, ये चेतावनी किस तरह से मनाएंगे? अब देखिए, ये कार्य तो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, ये कार्य तो स्वीकृत है और अपने प्रक्रिया पर है भी, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी प्रक्रिया में ही है, ये जल्दी ही ये काम पूरा हो जाना है।